दोस्तों, कैसे आप सब। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर ट्वेल्थ आप कैसे टिकट कलेक्टर आप बन सकते हो, आप कैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो रेलवेज में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रोसेस कैसी रहती है, क्वालिफिकेशन आपको कितनी लगेगी, एज लिमिट कैसी रहती है, सैलरी परस्पेक्टिव आपका कितना रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहती है, रिटर्न टेस्ट पेपर पैटर्न आपका कैसा रहेगा, एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है, और भी बहुत सारे चीज़ें टिकट कलेक्टर से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप करने के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जैसे हमारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसा कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं टिकट कलेक्टर से रिलेटेड कि आप आफ्टर ट्वेल्थ आप कैसे टिकट कलेक्टर आप बन सकते हो, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि टिकट कलेक्टर की जॉब आखिर है क्या। तो देखिए, एक नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसके बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होती हैं जो कंडक्ट करवाती हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जो RRB के नाम से जाना जाती है। रेलवे ग्रुप सी की ये जो पोस्ट है, मतलब जो टिकट कलेक्टर और स्टेशन मास्टर की जो ये पोस्ट रहती है, वो ग्रुप सी की ये पोस्ट रहती है। रेलवे में टोटल 4 ग्रुप रहती है, ABCD। तो ये जो टिकट कलेक्टर की जो ये पोस्ट है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। अभी हम आगे बात करते हैं, ये टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल फील्ड से आता है। तो ये जो टिकट कलेक्टर की जो फील्ड है, ये नॉन टेक्निकल की फील्ड है। तो देख आगे, फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, आपके 12th पास आउट आपका होना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल फील्ड से आता है। तो इसमें साइंस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस लेना पड़ेगा, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तो भी आप टिकट कलेक्टर अकेले आप अप्लाई कर सकते हो, आप टिकट कलेक्टर आप बन सकते हो। पर आपको 12th में 50% मार्क्स आपको कैसे भी करके आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए जब आप ये टिकट कलेक्टर की आप एग्ज़ाम आप जब दे रहे हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो देखिए, आपकी 1900 ग्रेड पे आप करेगा, उसके अलावा 5200 से लेकर आपकी 20,200 तक आपकी सैलरी आपकी रहेंगी। उसके बाद आपका जब 7th पे कमीशन लिख लेगा, तो आपकी जो सैलरी इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, इसके टोटल 3 स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट होता है रिटर्न टेस्ट, दूसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू, और थर्ड होता है मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटर्न टेस्ट पहले आपको जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी उसको पूरा आपको देना पड़ेगा, उसको आपको अच्छे मार्क्स से आपको पास आउट आपको होना पड़ेगा। उसके बाद आपका पास आउट होने के बाद आपका दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होएगा, उसके बाद आपके जितने भी 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट है, जितने भी आपका जो एज प्रूफ है, वो सब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे रिलेटेड, वो उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेजेस है, उसके सबसे मेन स्टेज है वो है रिटर्न टेस्ट, जो है फर्स्ट स्टेज। तो आगे इसमें हम बात करते हैं रिटर्न टेस्ट के बारे में। तो देखिए, रिटर्न टेस्ट का जो पेपर पैटर्न रहता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो जनरल अवेयरनेस रहता है, अरिथमेटिक एबिलिटी रहता है, जनरल इंटेलिजेंस होता है, रीजनिंग एबिलिटी होता है, और लैंग्वेज का भी एक पेपर रहता है, जो हिंदी और इंग्लिश में भी होता है, दोनों में होता है। आपको जिसमें आपको देना है, आपको हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो जितना भी टोटल 5 पेपर है, वो ऑनलाइन वे में होगा, ये पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। देखिए, टोटल आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन आपको टिक मार्क करना है। क्वेश्चंस आपको कितने पूछे जाएंगे, तो आपको टोटल पूरे 120 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। टाइम आपको कितना मिलेगा, तो आपको पूरे टोटल 90 मिनट्स का आपको टाइम आपको दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए, आपके एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल लोगों के लिए, OBC ST लोगों के लिए ये जो फ़ीस है ये माफ़ है, गर्ल्स के लिए भी ये जो फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस वो माफ़ है। तो पहले आपको रिटर्न टेस्ट देनी है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फाइनली आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर जाके आप टिकट कलेक्टर कि आप एम्प्लॉय आप बन जाओगे। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन टिकट कलेक्टर से रिलेटेड, आप कैसे रेलवेज में अपनी जॉब लगा सकते हो, आप कैसे टिकट कलेक्टर आप बन सकते हो, कैसे आप गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो। मैंने आपको एज लिमिट बता दी, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, सैलरी आपको कितनी मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहती है वो भी मैंने आपको बता दिया, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सारे चीज़ें टिकट कलेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको टिकट कलेक्टर बनना है। तो यही मैं अपना ये वीडियो मैं यहाँ पर ही मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलता हूँ किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।